चंद दिन खत्म नबूवत के लिए हम घरों में बैठे रहे, नहीं निकले, हमने बातें की, रास्ते बंद हो जाते हैं, फला हो जाता है, रब ने सारा कुछ ही बंद कर हुआ के नहीं बंद, सारा कारोबार भी बंद, स्कूल भी बंद। अब कोई माँ बाप उठकर नहीं बोल रहे स्कूल क्यों बंद किए, वो दो तीन स्कूल बंद हुए तो माँ बाप है जी हमारे बच्चों की तालीम में हर्ज हो रहा है, अब फीसें भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी कोई नहीं। इसका मतलब है कि अभी भी हमें जरूरत सिर्फ तौबा की। जब तक हम मुकाबला करते रहेंगे हम फंसे रहेंगे, जब तक हम लड़ते रहेंगे हम फंसे रहेंगे, जब हम झुक जाएंगे अल्लाह हमें माफ फरमा दे। इन सरबराहान को चाहिए कि ये हर रोज ऐलान करें कि हम भी अल्लाह से तौबा करते हैं, कौम भी तौबा करे, कौम घरों में घुस जाए, कौम मास्क पहन ले, कौम हाथ धो ले, सारा कुछ कर ले। फायदा तब भी होगा जब ये और पूरी कौम अल्लाह की बारगाह में झुके, फिर देखे फायदा होता है। जब तक ये खामोश रहेंगे असल राह की तरफ नहीं आएंगे, नुकसान उठाते रहेंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है, वो हर वक्त माफ़ी देने वाला है, उसकी राह में झुकना चाहिए। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, जिस तरह ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, खाना पीना, एहतियात करना, मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, इसी तरह अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा भी बड़ी ज़रूरी है। ये काम हम करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें इस वबा से भी और दीगर परेशानियों से भी निजात अता फरमा देगा।